गाइस वर इस सेशन में हम परसों का के टेस्ट जो हुआ था उसको डिस्कस कर लेंगे जो ऑसलेशन और वेव्स से था सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन द फिनम ऑफ साउंड प्रोपिगेशन इन एयर इज एन आइसोथर्मोल प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस एडियाबायोटिक प्रोसेस इज दैन एडियाबायोटिक प्रोसेस न्यूटन ने कंसिडर किया था कि साउंड जो है उसका प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एक स्पीड के लिए फार्मूला दिया था फिर लेप्लास ने करेक्शन करके प्रोसेस बेसिकली साउंड जब प्रोपिगेट करता है थ्रू एयर तो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन इतना रैपिडली क्रिएट होते हैं कि उनको हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलता है विद द सराउंडिंग्स सो इट्स एन एडियाबायोटिक प्रोसेस ओके इट्स एन एडियाबायोटिक प्रोसेस सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर द द रेशियो ऑफ ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट इज सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है स्पीड के लिए फॉर्मूला v फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ गैमा p डिवाइडेड बाय रो गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक सी पी बाई सी वी पी इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ गैमा दोनों के लिए आर तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर थ्री हंड्रेड के दोनों केसेस के लिए है गैमा डिफरेंट है और एम डिफरेंट होगा तो अब एक साइड से हमारे पास नाइट्रोजन गैस है विच इज ए डायटोमिक गैस ओके नाइट्रोजन एन टू है डायटोमिक गैस है तो उसका गामा जो होगा गामा फॉर एम टू सी पी बाई सीवी होता है तो दैट विल बी सेवन डिवाइडेड बाई फाइव सेवन डिवाइडेड बाई फाइव और फिर जाके उसका मोलर मास जो है नाइट्रोजन का दैट विल बी ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ग्राम पर क्यू ग्राम पर मोल हाँ ग्राम पर मोल देन वी हैव हीलियम ऑन द अदर साइड हीलियम के लिए uh, गामा जो है हीलियम मोनोटॉमिक गैस तो हीलियम के लिए गामा जो होगा लेट मी अ डिफरेंट वन हीलियम के लिए गामा जो होगा मोनोटॉमिक गैस है तो फाइव डिवाइडेड बाई थ्री और फिर जाके मोलर मास जो हीलियम का है दैट इज फोर ग्राम्स पर मोल ओके उसका मास नंबर जो है वो फोर है तो फोर ग्राम्स पर मोल ओके okay, नाउ uh, यही हमें डेटा चाहिए था अब यहाँ पर सब कर लेना है रेशियो ऑफ़ द स्पीड पहले हमें नाइट्रोजन का लेना है ऊपर फिर जाके नीचे हीलियम uh, का लेना है सो वी फॉर नाइट्रोजन एंड टू डिवाइडेड बाय वी फॉर हीलियम एच ई इज इक्वल टू प्रपोर्सनैलिटी में सिर्फ गामा और एम आएगा सो अंडर रूट ऑफ गैमा फॉर नाइट्रोजन गैमा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिवाइडेड बाई गैमा फॉर हीलियम इन अब एम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो उल्टा करके लिखेंगे एम फॉर हीलियम डिवाइडेड बाय एम फॉर नाइट्रोजन एम फॉर हीलियम डिवाइडेड बाय एम फॉर नाइट्रोजन ओके सो अब इसको सॉल्व करना है दिस इज अंडर रूट ऑफ गैमा नाइट्रोजन इज सेवन डिवाइडेड बाई फाइव सेवन बाई फाइव डिवाइडेड बाई गैमा डिवाइडेड ही थ्री 5 divided by 3 into M helium is 4 or 28. 4 divided by 28. So I can rewrite this as 7 by 5 into 3 divided by 5. इंटू फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट सेवन इंटू फोर इज ट्वेंटी ट्वेंटी एट के साथ ऊपर है तो रूट के साथ फाइव ऑप्शन थ्री है अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई फाइव ओके नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके Question number three: Sound waves travel at 350 meter per second, okay, per second, through warm air, and 300 and at 3,500 meter per second through brass. द वेव लेंथ ऑफ सेवन हंड्रेड हर्ड एक्ॉस्टिक वेव विच इज सिंपली अ साउंड वेव इन दिस केस एज इट एंटर्स ब्रश फ्रॉम वार्म एयर इज ओके वेव लेंथ को आपने कंपेयर करना है अब यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है, होती है वेव लेंथ चेंज होती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है फ्रीक्वेंसी इज सोर्स प्रॉपर्टी सोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है change, okay, change, तो जो 700 वो तो वही रहेगा वो तो वही रहेगा अब हमारे पास इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ वी अब एफ तो चेंज नहीं हो रहा है एफ तो चेंज नहीं हो रहा है दिस मीन लैमडा इज प्रोपोर्शनल टू वी लैमडा इज प्रोपोर्शनल टू वी हमें ओके okay, एक्जैक्टली exactly बताना है किस फैक्टर से सो लेट्स सी लैमडा फॉर द ब्रास ब्रास में जा रहा है डिवाइडेड बाय लैमडा फॉर एयर इज इक्वल टू वी फॉर ब्रास डिवाइडेड बाय वी फॉर एयर ब्रास में स्पीड जो है वो 3500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई एयर में जो स्पीड है दैट इज थ्री थ्री हंड्रेड फिफ्टी 350. एक जीरो कैंसिल आउट होगा दिस इज वन इंटू जीरो सो टेन टाइम्स इंक्रीज होगा लैम्डा ब्रास इज इक्वल टेन टाइम्स लैम्डा एयर सो वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है दैट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ टेन ओके इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ टेन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ टेन ऑप्शन फोर ओके ऑप्शन फोर चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ

अब अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं दैट इज ए साइन ऑफ यहां पर जो लिखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो सकता है वो आ, स्वाप हो सकता है के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स अब यहां पर इसने एक्स पहले लिखा है तो उसी वजह से मैंने भी एक्स लिखा अब जाके एज एम्पलीट्यूड uh, वो जीरो पॉइंट टू फाइव है के इज एंग इज एंगो फ्रीक्वेंसी दैट इज टू पाई अच्छा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ट्रेवल कर रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में इनकी साइंस अगर अपोजिट होती है इनके साइंस अगर अपोजिट होती है तो वेव इज ट्रेवलिंग प्रॉपिगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस

एंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कौन सा ठीक है सो एनीस टू पाई डिवाइडेड बाई लैमडा इज इक्वल टू टेन पाई पाई एंड पाई कैंसल इनवर्स ले लें लेमडाज इक्वल वन डिवाइडेड बाई फाइव विच इज जीरो पॉइंट टू मीटर So that's here 0 0.2 meters. First option. So, option one is the correct option. Okay, option one is the correct option. So, let's uh, move on to the next one now. Question number five. In the experiment uh, to determine speed of sound using a resonance column, prongs. Okay, now resonance column, I'm sure, what you have is, uh, let me. रेड वन so, हमारे पास एक एयर कॉलम होता है जिसमें ट्यूब एक होता है जिसमें पार्शियली वाटर फिल्ड होता है पार्शियली वाटर फिल्ड होता है यहां से आप साउंड वेव इसके अंदर भेजते हैं तो यहां से रिफ्लेक्ट होता है फिर उस ये वन एंड इज क्लोज ये क्लोज एंड वन एंड इज क्लोज एंड दिस वन इज ओपन एंड ओपन एंड तो यहां पर स्टेशनरी वेव्स डेवलप होंगे हर किसी वेवलेंथ के लिए नहीं डेवलप होगा किसी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डेवलप होगा स्टेशनरी वेव डेवलप होगी अब वो स्टेशनरी वेव से फिर आप साउंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो निकाल सकते हैं uh, पहला ऑप्शन जो है प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर आर केप्ट इन द वर्टिकल प्लेंग प्लेन प्रोंग जो ट्यूनिंग फोक आई एम श्योर आपने देखा होगा सपोज दीज आर द टू प्रग्स ऑफ द वर्टिकल प्ले ट्यूनिंग फोक आपने इनको ऐसे वाइब्रेट किया है ऐसे वाइब्रेट किया है। अब ये ऐसे वाइब्रेशंस में ये मॉलिक्यूल्स को यहां पुश कर लेगा

दैट इज प्रिस द रीजन जब हम यहां पर प्रॉन्ग्स रखते हैं तो हम ऐसे रखते हैं ताकि वाइब्रेशन जो है वो ऐसे हो जाए और यहां जो है इस प्लेन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली साउंड वेव जो है वो मूव कर ले सो so, वो आप देख लें जैसे जब ये ऐसे कर लेगा तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी तो उससे हमें आसानी होगी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में सो so, ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है आई एम श्योर बाकी अगर आप देख लेंगे कि यहां पर साउंड वेव जो बन जाती है वेवलैंग जो होती है वो आप कंपेयर कर सकते हैं और बाकियों के साथ देख सकते हैं कि वो गलत है

प्लस माइनस वन बाय रूट बी वन बाय रूट बी अब कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है उसके बदले में मैं लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मैं दोनों हार्मोनिक फंक्शंस को साइन में ला रहा हूं

फिर जाके इसका होगा एंगल ओमेगा टी प्लस पाई टू सो so, प्लस, प्लस है तो काउंटर क्लॉक वाइज मूव करना होगा सो so, वो यहां कहीं होगा और इसका एम्पलीट्यूड जो है वन बाय रूट बी है तो इसकी लेंग जो होगी वन बाय रूट बी होगी दिस एंगल इज 90 डिग्रीज सो so, अब जाके इनका रिजल्टेंट जो होगा रिजल्टेंट जो होगा आपने ये ट्वेल्थ में किया होगा मेरे ख्याल से यंग्स मॉडुलस में Uh, ये जो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होगा तो रिजल्टेंट ना यूज करके आप सिंपली देख सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड आर जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वन बाय रूट ए स्क्वायर प्लस वन बाय रूट बी स्क्वायर वन बाय रूट ए स्क्वायर प्लस वन बाय रूट बी स्क्वायर सो दिस इज अंडर रूट ऑफ वन बाय ए plus 1 by B so cross-multiply A, A plus B divided by AB under root of A plus B divided by AB under root of A plus B divided by AB is option 4 okay option 4 so uh, let's move on to the next one now okay now question number 7 the ratio of uh, the two interfering waves have intensities in the ratio of uh, 9 is to 4

फिर जाके आई I मिन mean जो होगा जहां पर डार्क बैंड बन जाता है जहां पर मिनिमम बन जाता है आई वन बाई आई टू का रेशियो है, वो आपको दिया हुआ है I1 I2 9 4. हमें देखना है कि आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन जो होगा वो किसके बराबर होगा दैट वट वी हैव टू सी दैट वट वी हैव टू सी तो वो जरा देख लेते हैं सो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन इन दो का रेशियो अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं अब जाके व्हाट आई डू इज मैं ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर लूंगा बाय अंडर रूट ऑफ आई टू रिम्बर मुझे रेशियो चाहिए रेशो दिया हुआ है तो उस फॉर्म में मैं इसे लाऊंगा सो so, ऊपर भी डिवाइड कर लेंगे बाई अंडर रूट ऑफ आई टू नीचे भी डिवाइड कर लेंगे बाई अंडर रूट ऑफ आई टू सो यह बन जाएगा अंडर रूट ऑफ उट तो होगा रूट आई वन आई टू डिड बाई रूट आई टू तो यहां पर भी बन जाएगा आई टू और यहां पर भी कैंसल आउट होके वन बन जाएगा रूट so के uh, अंदर है नाइन का रूट थ्री है टू का रूट फोर uh, का रूट टू है तो यह बन जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई टू रूट देखे सो ऊपर थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस वन अच्छा स्क्वायर भी साथ में है

twenty five is to one which is option two okay which is option two so bas aapko ye formula you are just a few steps away from it. now let us uh, uh, move on to the next one two waves are represented by y is equal to four sine of four hundred four pi t and y two is equal to three sine four hundred pi t then, बीट फ्रीक्वेंसी ओके बीट की फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम मिनिमम की इंटेंसिटी हमें बताना है कि क्या होगा बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपली फ्रीक्वेंसी का सब्रैक्शन होता है मॉडल एफ टू तो वो हम देख लेते हैं यहां पर एफ वन जो है ओमेगा जो है दैट इज फोर हंड्रेड फोर पाई फोर हंड्रेड फोर पाई सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ओमेगा जो है वो है फोर हंड्रेड फोर पाई फोर हंड्रेड पाई अब ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय एफ 2 pi f not divided by f 2 pi f 2 pi f is equal to 404 into pi pi and pi cancels out e 2 into 2 0 2 so f is equal to f1 yeah is 202 hertz okay f1 is 202 hertz f1 is 202 hertz ओके okay, का देख लेते हैं अब ओमेगा टू जो है दैट इज फोर हंड्रेड पाई ओमेगा टू जो है दैट इज फोर हंड्रेड पाई दैट मीन टू पाई एफ टू जो है दैट इज फोर हंड्रेड पाई पाई एंड पाई कैंसल टू 2 टू हंड्रेड सो एफ टू जो है दैट इज टू हंड्रेड टू हंड्रेड ओके टू हंड्रेड तो अब जाके बीट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं एफ बीट होता है मॉडुलस ऑफ एफ वन माइनस एफ टू For 200 और वहां पर टू टू तो डिफरेंस जो है वो 2 का है सो so 2 बीट्स पर सेकेंड 2 बीट्स पर सेकेंड सो बीट फ्रीक्वेंसी जो है 2 बीट्स पर तो ये तो आ गया फिलहाल 2 बीट्स पर सेकेंड जो है बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सो so ऑप्शन 2 और 3 में से अब हमें चूज करना है फर्दर देन नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी

जहां पर कंप्लीटली सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा ए वन प्लस ए टू ए वन जो है दैट इज फोर और ए टू जो है दैट इज थ्री सो फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री इज सेवन सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो सेवन के बराबर है ए मिनिमम जो है ए मिन इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू ए वन माइनस ए टू सो बन जाएगा फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री इज वन ए मिनिमम जो है वो वन यहां पर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा कंप्लीट okay? अगर का होता, तो यहां पर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पे जीरो बन जाता अब जाके इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लीट्यूड स्क्वायर सो दैट मीन आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई आई मीन मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिन रिम्बर स्क्वायर बी साथ में है तो स्क्वायर को पॉमन लेते हैं ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिन स्क्र सो दिस इज इक्वल टू ए मैक्स जो है ए मैक्स इज सेवन और ए मिनट इज वन सेवन डिवाइडेड बाई वन लेकिन स्कोर भी साथ में है सेवन स्क्वायर इज फोर्टी सो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मीन फोर्टी नाइन आ रहा है विच इज फोर्टी रेशियो इज फोर्टीन इज टू वन रेशियो इज फोर्टीन इज टू वन तो फोर्टी नाइन इज टू वन ऑप्शन बी में है Frequency of two two hertz two beats per second is more appropriate than forty nine is to one. So option two. Okay, option two. Let's uh, move on to the next one now. If the phase difference between two sound waves of wavelength lambda is sixty degrees, the corresponding path difference is corresponding path difference is.

60 डिग्रीज हैं तो दैट इज पाई डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री पाई डिवाइडेड बाई थ्री पाई एंड कैंसल डिवाइडेड बाई सो पा डिफरेंस जो है वो lambda divided by 6 आ रहा है. ऑप्शन वन सो सिंपल फॉर्मुला अगर आपको पता है यू कैन डू इट 2 loudspeakers l1 and l2 driven by common oscillator and amplifier so dunu frequency jo was same so, driven by common uh, oscillator so dunu ki frequency jo same the frequency of the oscillator is gradually increased so maybe from 0 you are increasing it uh, from 0 so from 0 you are increasing the uh, frequency and the uh, detector d detector d is somewhere here records a series of maximas and minimas. The, if the speed of sound is 330 meter per second then the frequency at which the then the frequency at which the first maximum is observed is first maximum uh, observe path difference phase difference या तो जीरो होगा या फिर टू पाई होगा या फिर फोर पाई होगा दिस इज सिंपल इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए पाथ फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जो है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो या फिर लैमडा या फिर टू लेमडा एंड सो ऑन इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस ओके और दो के बीच में रिलेशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा डेल्टा एक्स इज इक्वल लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू फाइव या डेल्टा फाई जो भी आप चाहें या फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा इंटू डेल्टा एक्स फ्रीक्वेंसी को किया जा रहा है. Of the चेंज किया हो तो, uh, हो okay? हो uh, uh, जो होगा पहला मैक्सिमम uh, जो होगा पहले मैक्सिमम के लिए यू में से फेज डिफरेंस जो है वो जीरो होना चाहिए लेकिन फेज डिफरेंस जीरो होने के लिए लैमडा uh, जो होगा वो इन्फिनिटी होना चाहिए क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा पार्ट डिफरेंस तो फिक्स पार्ट डिफरेंस तो सिंपली इन दो लेंथ्स का सब्ट्रैक्शन है वो हम अभी देख लेंगे इन दो लेंथ्स का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज पार्ट डिफरेंस दैट इज फिक्स्ड यू आर नॉट चेंजिंग दिस लेंथ यू आर नॉट चेंजिंग दिस लेंथ तो पार्ट लेंथ डिफरेंस जो है दैट इज फिक्स दैट इज फिक्स सो डेल्टा एक्स जो है दैट इज फिक्स्ड

ये लेंथ जो है वो फोर्टी है ये लेंथ जो है वो नाइन है तो जो होगा okay. तो लेंथ डिफरेंस जो होगा पाथ लेंथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स दैट इज टू ये एक ही लेंथ है यहां से लेके यहां तक सो so ये अंडर रूट ऑफ फोर्टी स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर माइनस ये लेंथ विच इज 40 सो so माइनस 40 ओके okay? माइनस 40 अब ये मैंने वर्कआउट uh, किया दिस इज इजली वन ओके सो पार्ट डिफरेंस जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली वन मीटर ये मीटर्स में है तो ये भी मीटर्स में अप्रोक्सीमेटली वन मीटर डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली वन मीटर अब अगर डेल्टा एक्स वन मीटर के बराबर है डेल्टा एक्स वन मीटर के बराबर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जो होगा

Phi should be equal to 2 pi. So this implies 2 pi is equal to 2 pi divided by lambda. 2 pi and 2 pi cancels out. So lambda is equal to 1 meter. Lambda is equal to 1 meter. So do we have any option? Okay, we have a frequency. So now we will find our frequency. A frequency Johan. अब फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड uh, uh, के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप है वी रिम्बर इज इक्वल टू लैमडा इंटू एफ दिस मीन एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैमडा वी दिया हुआ है 330, ओके okay, 330। हंड्रेड हमने निकाला दैट इज वन सो दिस इज थ्री थ्री हर्ट्स ओके थ्री हर्ट्स 330 हर्ट्ज़ ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू सो दिस इज इंपॉर्टेंट आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि फेज डिफरेंस जो आप लेंगे फर्स्ट मैक्सिमम के लिए दैट शुड बी टू पाई नॉट जीरो नॉट जीरो टू पाई क्योंकि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग लैमडा विल बी इंफिनिटी विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर A tuning fork having frequencies uh, four hundred fifty hertz and uh, four hundred fifty hertz and four hundred fifty-four hertz respectively. On sounding these forks together, the time interval between successive maximas, maximum intensities, will be that is simply time period of uh, beat. Okay. time period of a beat, which is simply inverse of frequency. So frequency of the beat. फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट इज डिफरेंस ऑफ द टू सो फोर हंड्रेड फिफ्टी और फोर हंड्रेड फिफ्टी फोर है तो फोर बीट्स पर सेकेंड तो टाइम पीरियड जो होगा विल बी तो दो मैक्सिमास के बीच में या दो मिनिमास के बीच में टाइम जो होगा वो वन बाय फोर सेकेंड होगा वन बाय फोर सेकंड ऑप्शन वन ओके ऑप्शन वन वन बाई फोर सेकेंड सो काफी सिंपल लेट्स मूव ऑन दिस इज ट्वेल्व नॉट थर्टीन question number 12 two tuning forks uh, when sounded together produce uh, produced four beats per second okay so beat frequency you have four beats per second the frequency of one tuning fork is 256 hertz the number of beats heard increases when the fork uh, of frequency 256 hertz is loaded with wax the frequency of the other fork is so two forks aapke pass two tuning forks तो ये एक ट्यूनिंग फोग आपके पास है ये दूसरा ट्यूनिंग फोग आपके आपके पास है इस वाले ट्यूनिंग फो की 256 हंड्रेड है फ्रीक्वेंसी इसका हमें नहीं पता है किसके बराबर है लेट से एफ टू है इसका एफ वन और बीट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फोर बीट्स पर सेकंड ओके बीट्स पर सेकंड अब जाके आप इस वाले के के प्रोंग्स ऊपर कुछ वैक्स लगाते हैं वैक्स के वजह से इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ये ज्यादा लेजी बन जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी सो एफ वन इज डिक्रीजिंग ओके दिस इज इंपॉर्टेंट एफ वन इज डिक्रीजिंग सो एफ वन जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है एफ टू हमें बताना है कि किसके कर... अब बीट फ्रीक्वेंसी जो है ट इज मॉडलर्स ऑफ एफ वन माइनस एफ टू यानी कि या तो वो एफ वन माइनस एफ टू है या फिर एफ टू माइनस एफ वन है जो भी दो में से पॉजिटिव होगा ओके okay, जो भी दो में से पॉजिटिव इन दो में से हमें चूज करना है कि कौन सा है सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है वो फोर बीट्स uh, अब नोट कर लें ये अगर डिक्रीज हो रहा है ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इंक्रीजिंग बीट फ्रीक्वेंसीज इनकी ये डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस जो, तो okay? जो है वो इंक्रीज हो रहा है एफ वन अगर डिक्रीज होगा एफ वन अगर डिक्रीज होगा तो यहां पर डिफरेंस इंक्रीज होगा कि यहां पर डिफरेंस इंक्रीज होगा ओके एफ वन एफ टू जो है वो फिक्स है एफ टू जो भी है वो फिक्स है लेट सपोज एफ वन जो है वो टेन है और एफ टू जो है वो सपोज कुछ एट uh, है टेन माइनस टू इज टेन माइनस एट इज टू टेन माइनस एट इज टू अब ये जो है वो कम हो रहा है ये जो है वो सपोज ये कम होकर नाइन बन गया नाइन माइनस एट इज ओनली वन तो बीट फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज बीट फ्रीक्वेंसी सो यहां पर एफ वन डिक्रीज होने से ये सारे डिक्रीज हो रहा है ये सारे डिक्रीज हो रहा है सेम चीज अगर हम यहां पर कर लेंगे यहां पर कर लेंगे सपोज दिस इज टेन एंड दिस इज एट दिस ज टू ना एफ टू को ही ज्यादा रखना है बिकॉज वी वॉन्ट इट टू बी पॉजिटिव द सब्ट्रैक्शन, एफ टेन माइनस अब इसको आप डिक्रीज कर रहे हैं, इसको आपने सेवन बना दिया तो दिस बिकम्स थ्री तो डिफरेंस एफ वन डिक्रीज करके डिफरेंस कहां पर इंक्रीज हो रहा है दैट इज फॉर एफ टू माइनस एफ वन f2 माइनस f1 तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है उससे आपको पता चल रहा है कि f2 माइनस f1 आपने लेना है क्योंकि डिफरेंस जो है वो वहीं पर इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस जो है वो वहीं पर इंक्रीज हो रहा है अब सिंपल है अब हम निकाल सकते हैं आपको पता चल गया कि आपको f1 माइनस f2 लेना है कि f2 f1 लेना है सो बीट फ्रीक्वेंसी नाउ बीट फ्रीक्वेंसी इज नाउ f2 f1 f2 f1 ये हमारे पास है अब वैल्यू सब लें। बीट फ्रीक्वेंसी जो है बीट्स पर हमें निकालना है माइनस एफ वन जो है वो दिया हुआ है 256, 256, so F2 256 4 260 तो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क जो है वो टू हंड्रेड सिक्सटी हर्ट्स के बराबर होगा टू हंड्रेड सिक्सटी हर्ट इज ऑप्शन थ्री ओके ऑप्शन थ्री बस आपको डिसाइड करना है कि एफ वन माइनस एफ टू लेना है कि एफ टू माइनस एफ वन लेना है लेट्स मूव ऑन नाउ दिस इज थर्टीन एक्चुअल थर्टीन द टूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी एज गिवन बाय मैन्युफेक्चरर इज 512 हंड्रेड 512 हर्ट्स फाइव हंड्रेड ट्वेल्व हर्ट गिवन बाय Is being tested with an accurate oscillator. So reference oscillator, ko hai. Okay, reference or accurate oscillator, ko It is found that the fork produces a, uh, a beat of two hertz, so two beats per second, basically. When oscillator reads 514 hertz, when oscillator reads 514 hertz, this oscillator, reference, is it? But uh, produces a beat of 6 hertz when oscillator reads 510. Reference uh, 510, so beat frequency jo hai, wo 6 hertz. Ban rahi hai. So again, have F1 minus F2, ya F2 minus F1, lena hai, aapko decide karna hai. the actual frequency of the fork is Actual frequency of the fork is. So initially beat frequency, which is simply the difference of the two frequencies, is 2 hertz, 2 hertz. और दूसरा जो है जब आप यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं देन दैट इज सिक्स हर्ट बीट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज या तो है एफ वन माइनस एफ टू सो एफ रेफरेंस माइनस एफ या तो है एफ माइनस एफ रेफरेंस एफ माइनस एफ रेफरेंस दो में से आपको एक लेना है यही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा लेना है बाकी बस सिंपल एक इक्वेशन से आपको मिल जाएगा आंसर पहली बात नोट कर लें कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टू टू सिक्स सो बीट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग ये इंक्रीज हो रहा है दैट मीनस डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए अच्छा रेफरेंस का क्या हो रहा है रेफरेंस आप ले रहे हैं फ्रॉम फाइव हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड टेन तो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कर रहे हैं रेफरेंस फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कर लेंगे ये अगर आप डिक्रीज कर लेंगे तो ये डिफरेंस भी डिक्रीज होगा दैट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी लेकिन हमें पता है कि वो तो इंक्रीज हो रही है तो ये ये अगर आप डिक्रीज कर लेंगे तब जाके डिफरेंस जो वो इंक्रीज होगा तब जाके बीट फ्रीक्वेंसी तो आपको ये इक्वेशन लेनी है एफ माइनस एफ रेफरेंस ओके एफ माइनस एफ रेफरेंस आप दो में से एक कोई भी डेटा एक ले लें सो बीट फ्रीक्वेंसी अब हमें पता चल गया क्या लेना है ज एफ माइनस एफ रेफरेंस एफ माइनस अब एफ बीट जो है दैट इज टू तो हम पहला वाला लेंगे टू यहां से फाइव हंड्रेड फोर्टीन लेंगे तो जो ट्यूनिंग फोक आपको दिया गया है उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फाइव हंड्रेड सिक्सटीन तो दिया था 512 हंड्रेड ट्वेल्व दैट इज इन एक्क्यूरेट फाइव हंड्रेड सिक्सटीन हैं फाइव हंड्रेड सिक्सटीन इज ऑप्शन थ्री ओके ऑप्शन थ्री चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ थ्री साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड है तीन फ्रीक्वेंसीज okay? uh, दी गई है सुपर इंपोज टू गिव बीट्स द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूसड पर सेकेंड यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी विल बी नॉर्मली जब हम दो वेव्स लेते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है अब अगर दो से ज्यादा है तो डिफरेंस जहां पर मैक्सिमम होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी है ओके okay? डिफरेंस जहां पर मैक्सिमम होगा एक आपके पास है एन माइनस वन दूसरा आपके पास है एन तीसरा आपके पास है एन प्लस वन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो तो वन है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी वन के बराबर है और इन दो के बीच में जो डिफरेंस है एन माइनस वन एन प्लस वन वो टू है तो जहां पर मैक्सिमम डिफरेंस है वही बीट फ्रीक्वेंसी है ओके okay? वही बीट 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 सो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज और और में से मैक्सिमम कौन है टू तो वही बीट फ्रीक्वेंसी है टू इज बीट फ्रीक्वेंसी टू बीट पर सेकेंड ओके ऑप्शन कौन सा है फोर ऑप्शन फोर सो लेट्स मूव ऑन

दैट सिंपली मीन्स की डिसप्लेसमेंट जो है पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग जी एक्सिस पार्टिकल्स की डिसप्लेसमेंट इज अलॉन्ग जी एक्सिस यहां पर एक्स दिया हुआ है दैट मीन्स वेव इज प्रोपिगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रॉपीगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहां पर भी एक्स है तो वेव इज प्रोपिगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहां पर वाई है तो वेव इज प्रॉपिगेटिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन है कि दे मस्ट बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन प्रॉपिगेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये दो के लिए वो पॉसिबिलिटी है इसके लिए नहीं क्योंकि दिस इज मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस तो ये तो एक्स एक्सिस के अपोजिट में नहीं होगा अब आर दे इन अपोजिट डायरेक्शन नोट कर लें यहां पर साइंस ये प्लस है ये माइनस है, है तो दिस इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन क्योंकि दोनों की साइन सेम है दोनों की साइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये बात तो आ गई कि वन इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द अदर इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया लेकिन आइडेंटिकल बी होने चाहिए ओके, आइडेंटिकल बी होने चाहिए नोट कर ए सेम है, होगी सो जी वन एंड जी टू आर टू आइडेंटिकल वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी वेव बनाए देंगे सो स्टेशनरी वेवी जी वन प्लस जी टू जी वन प्लस जी टू ऑप्शन वन ओके ऑप्शन वन so uh, let's move on now <clears throat> if the tension and diameter of a sonometer wire of uh, fundamental frequency f are doubled and density is halved then uh, uh, then its uh, fundamental frequency will become then its fundamental frequency will become sonometer wire so which is bound at both ends okay bound at both ends wo hame batana hai, So ये कोई वायर बाउंड एट बोथ एंड्स तो इसमें कुछ स्टेशनरी वेव्स डेवलप होते हैं समथिंग लाइक दिस तो उसके बारे में क्वेश्चन है अब व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता हो दैट इज वन डिवाइडेड बाय टू एल अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू वन डिवाइडेड बाय टू एल अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ है तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज टेंशन तो टेंशन तो है ही formula में डायमीटर इसमें नहीं है कभी शायद जरूरत नहीं होगी क्योंकि कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा दिया जाता है विल सी दैट और डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज मास पर यूनिट लेंथ दिस इज वॉट कॉलियर डेंसिटी तो मैं क्या कर लूंगा म्यू को रिप्लेस कर लूंगा और लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखूंगा इन सो अगर इसकी लेंथ जो है वो एल के बराबर है और सेक्शन जो है वो ए के बराबर है देन मास जो होगा म्यू टाइम एल म्यू मास पर यूनिट लेंथ है तो टोटल मास होगा म्यू टाइम एल इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर आप लिखेंगे तो रो इन टू वॉल्यूम रो इंटू वॉल्यूम So this implies mu times L is equal to rho into volume jo hai, that is length into area of cross section, length L into area of cross section is pi r square, L and L cancels out, so mu r i rho pi r square. Okay, rho pi r square. So fundamental frequency we can write 1 by 2 l under root of t divided by mu kb we can write rho pi r square, rho pi r square. या फिर आप आर को बाहर निकाल सकते हैं वन बाई टू एल इंटू आर अंडर रूट ऑफ टी डि देखें कि यहां पर कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है ओके okay? कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है टेंशन चेंज हो रहा है तो दिस बिकम्स ए वेरिएबल डायमीटर चेंज हो रहा है दैट मीन्स रेडियस बिकम्स ए वेरिएबल और फिर डेंसिटी चेंज हो रही है तो रो बिकम्स ए वेरिएबल इज हाउ देन फ्रीक्वेंसी विल बिकम हमें बताना है कि एफ का क्या होगा सो अगेन प्रोपोर्शनिटी हम देखेंगे कि क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय रो सो नई फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू आर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है आर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो उल्टा हो जाएगा ओरिजिनल आर डिवाइडेड बाय नया

आर एंड आर विल कैंसिल आउट तो वन बाई टू बच जाएगा अंडर रूट ऑफ टेंशन जो है वो भी डबल हो रहा है टेंशन जो है वो भी डबल हो रहा है सो दिस दिस इज इज तो डिवाइडेड बाय कैंसिल आउट होगा रो जो है दैट इज हाउड सो रो प्राइम जो है दैट इज हाफ ऑफ रो हाफ ऑफ रो सो दिस इज वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू रो एंड रो विल कैंसिल आउट तो टू ऊपर आएगा तो वो फोर वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ऑफ फोर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर इज टू टू एंड फ्रीक्वेंसी जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी ऑप्शन थ्री सेम इट रिमेन सेम एफ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ स्ट्रिंग इज हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट ए ट्रांसवर्स पल्स इज प्रोड्यूसड एट इट्स फ्री एंड द स्पीड एट विच द पल्स ट्रेवल्स एट डिस्टेंस एक्स इज प्रपोर्शनल टू ओके इज प्रपोर्शनल टू सो हमारे पास एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है ये स्ट्रिंग एक हैंग कर रही है मास हम एम लेते हैं लेंथ हम एल लेते हैं सो सपोज मास इज एम लेंथ इज एल तो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा दैट विल बी एम डिवाइडेड बाय एल एम डिवाइडेड बाय एल हमें बताना है कि डिस्टेंस एक्स पे फ्रॉम द बॉटम डिस्टेंस एक्स पे आप यहां पर एक पल्स डेवलप कर रहे हैं जब ये पल्स ट्रेवल कर लेगी डिस्टेंस एक्स तो आपने बताना है कि वहां पर स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी स्पीड ऑफ साउंड वे सिंपल फॉर्मुला आपके पास है इज अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू तो म्यू तो आपके पास है ही एम डिवाइडेड बाय एल टी आपने देखना है कि वहां पर क्या होगा ओके टी आपने देखना है कि वहां पर क्या होगा अब यहां पर इस पॉइंट पे देख लें टेंशन टी और इस पार्ट का मास इस पार्ट का मास अब इसकी लेंथ जो है वो एक्स के बराबर है अगर मास पर यूनिट लेंथ एम बाय है यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास M by l है, दो यूनिट यूनिट लेंथ लेंथ का का होगा M by l, का होगा is M by l, तो X में एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी बन गया सो so, टी किसके बराबर है एम l इंटू एक्स जी ओके टी इसको बैलेंस कर रहा है इतने वेट को बैलेंस कर रहा है तो टी आपको मिल गया टी आपको मिल गया एम बाई एल आप म्यू लिख सकते हैं सो म्यू एक्स इंटू जी ताकि म्यू एंड म्यू विल कैंसिल आउट नाउ स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी स्पीड जो होगी वो हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बताना है स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन बाई म्यू मैं अलग से लिखूंगा वन बाई म्यू फिर टी टी के बदले में म्यू एक्स जी म्यू एक्स जी म्यू एंड म्यू कैंसल अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू जी सो प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ जाएगी वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्स Okay. v is proportional to under root of x v is directly proportional to under root of x so option 4 okay option 4 so uh, let's move on now to the next one a uniform pipe of uh, a uniform pipe of length l and mass m1 hangs vertically uh, from a rigid support, a block of mass M2 is attached to the free end of the rope, a, a transverse pulse of wavelength uh, of the pulse, what is this, a transverse pulse of wavelength of the pulse uh, when it reaches, okay, now, simply wavelength, when it reaches the top of the rope is lambda 2, then the pulse when it reaches the top, uh -oh. okay, so there is some gadbad with this uh, one, इट नाउ हियर पहले तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोप है जो हैंग कर रही है उसका मास दिया हुआ है एम वन है सो दिस इज अ रोप मास एम वन और लेंग जो है इसकी एल के बराबर है और नीचे आपने ब्लॉक ऑफ मास एम टू हैंग कराया है ये एम टू है

तो यहां पर शायद डिफरेंट होगा सो लेडा वन और लैमडा टू लैमडा वन इज एट द बॉटम एंड लैमडा टू इज एट द टॉप हमें बताना है कि डिवाइडेड जो है वो किसके बराबर होगा ओके okay? हमें बताना है कि किसके बराबर होगा ना स्पीड uh, के साथ इसी प्रोपोर्शनैलिटी के हैं लैमडा इज इक्वल स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सो लैमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड सो लैमडा टू डिवाइडेड बाय लैमडा वन इज सिंपली वी टू डिड बाई वी वन v2 डिवाइड बाय v1, वन सो वी टू यहां पर क्या स्पीड होगी और यहां पर क्या स्पीड होगी वो हमें बताना है। जो हमें टेंशन से पता चल जाएगा okay? जो हमें टेंशन से पता चल जाएगा so सो लेटमी टेंशन टी वन और नीचे सिर्फ ये पार्ट हैंग कर रहा है तो एम टू जी सो टी वन जो है दैट इज इकोल्ड एम टू जी ओके टी वन जो है दैट इज इकोल्ड एम टू जी टी वन इज इक्वल टू एम टू जी यहां पर टॉप पे टॉप पे टेंशन T2 अब यहां पर कितना वेट है जिसको ये टेंशन सपोर्ट करा वो रोप और ब्लॉक मिला के है सो so, m1 वन प्लस एम टू g जी एम वन प्लस एम टू टाइम जी तो टी टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू टाइम जी एम वन प्लस एम टू टाइम्स जी सो टी वन बॉटम पे कितना टेंशन है वो भी आपको मिल गया टॉप पे कितना टेंशन है वो भी आपको मिल गया अब जाके स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू म्यू तो कॉन्स्टेंट है चाहे यहां पर आप ले लें वही म्यू है चाहे यहां पर ले लें वही मास पर यूनिट लेंथ तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t दैट मीन v2 टू डिड v1 वी वन इज इक्वल रूट ऑफ टी टू डिड बाई

तो ये आ गया दो लैमडास का रेशियो अंडर रूट ऑफ एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम टू अंडर रूट ऑफ एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम टू ऑप्शन टू ओके सो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है ऑप्शन नंबर टू लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाइनटीन एन ऑर्गन पाइप इज क्लोज एट वन एंड And open at the other, what is the ratio of frequencies of the third and fourth fundamental modes of vibration? Third and fourth fundamental modes of vibration. Okay. One end is closed, the other end is open. So close the here, upper, open yamper. Is my frequencies johoti have Frequencies, frequency of the nth uh, harmonic is equal to n times v divided by four L. टाइम इज वी डिवाइडेड बाई फोर एल और अगर आपको याद हो वन एंड क्लोज ओपन सिर्फ ऑड हारमोनिक्स पॉसिबल होती है जो होगा, one, कहा गया है कि थर्ड और फोर्थ के बीच में थर्ड और फोर्थ के बीच में थर्ड और फोर्थ के बीच में सो थर्ड इज दिस इज फर्स्ट

डिवाइडेड बाई एफ फोर्थ एफ थर्ड डिवाइड बाई एफ फोर्थ ना यहां से देखें कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो वो एन जो है वो फाइव और सेवन है सो फाइव डिवाइडेड बाई सेवन फाइव डिवाइडेड बाई सेवन ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू सो बस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यू कैन डू इट वेरी इजिली लेट्स मूव ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड नाउ दिस वन इज ओपन एट बोथ एंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर द ट्यूब इज डिप्ट इन वर्टिकल वर्टिकली इन वॉटर सो दाफ ऑफ इट इज इन वॉटर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउके इसमें काफी uh, आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है वो ट्यूब जो है वो बाहर है इन एयर so it is open at both ends so it is open at both ends so open at both ends scale a frequency johan that is n into uh, v divided by 2l n into v divided by 2l or here, every harmonic possible hoti hai. 1 2 3 so n is 1 2 3 4 and 5 n is 1 2 3 4 and so on so fundamental kya hoga? f1 is equal to v divided by 2l v divided by 2l अब आप इसी uh, ट्यूब को वाटर में रख रहे हैं ओके okay, वाटर में रख रहे हैं सेम ट्यूब वाटर में रख दिया हाफ ऑफ इट इज इनसाइड वाटर तो ये ऐसे बन गया हाफ ऑफ इट इज इनसाइड वाटर, अब बताइए ये, ये uh, कौन सा ट्यूब बन गया

फोर एल और यहां पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती है वन थ्री फाइव एंड सेवन एंड सो वन एन के वैल्यूज़ अब यहां पर फंड अब यहां पर एल प्राइम में ले रहा हूं वी तो सेम रहेगा स्पीड यहां पर भी एयर है यहां पर भी एयर है तो मीडियम तो चेंज नहीं हुआ जिस पार्ट में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वो ये वाला पार्ट है यहां पर जो साउंड वेव ट्रेवल कर लेगी उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारा सिर्फ इस पार्ट के साथ लेना देना है वहां पर तो एयर अब भी है तो मीडियम सेम रहना तो स्पीड जो होगी वो सेम रहेगी स्पीड जो होगी वो सेम रहेगी सो स्पीड आर नॉट चेंजिंग लेकिन लेंथ जो है वो चेंज हो रही है लेंथ जो है वो चेंज हो रही है अब यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी एफ वन प्राइम इज इक्वल टू एन तो वन लेंगे फंडामेंटल के लिए वन इंट वी डिवाइडेड बाई फोर एल प्राइम जो है दैट दल डिडेड बाई टू एल डिवाइडेड बाई टू सो दिस टू सो दिस पर भी था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दोनों के लिए बेसिकली सेम रहेगा ओके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दोनों के लिए सेम रहेगा सो एफ प्राइम एफ वन प्राइम एफ वन प्राइम इज इक्वल टू एफ वन एफ वन प्राइम इज इक्वल टू एफ वन सो so, जिसको यहां पर सिंपली एफ कहा गया एफ वन को यहां पर सिंपली एफ कहा गया सो एफ वन प्राइम या एफ प्राइम इज सिंपली इक्वल टू इज दैट फाइन सो बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पहले ये ओपन है एट बोथ एंड्स जब आप इसको वाटर में डाल देंगे इट बिकम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अंदर एंड सो सिचुएशन जो है वो चेंज आ रही हो रही है उसके वजह से क्या हो रहा है यहां पर टू था यहां पर फोर है यहां पर फोर है सो so, ये सारा गड़बड़ अगर आपने यहां पर भी टू ले लिया तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा So, this is the only thing you have to take care. Chale, let's uh, move on. The two nearest harmonics uh, of a tube closed at one end and open at other are two hundred twenty hertz and two hundred sixty hertz. What is the fundamental frequency of the system? What is the fundamental? So, these are the two nearest ones. टू नियरेस्ट वन लेकिन कहां पर टू नियरेस्ट वन किस केस में टू नियरेस्ट वन क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड तो इस सिचुएशन के लिए हमें पता है कि एफ जो है दैट इज एन वी डिवाइडेड बाय फोर एल विद एन इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन दे आर सिंपली ऑड नंबर्स. ओके दे आर ऑड नंबर तो अब हमें बताना है कि uh, दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं द नियरेस्ट वंस

तो ये होगा वन प्लस टू इज थ्री तब ये थ्री बन जाएगा अगर ये थ्री है तो ये होना चाहिए फाइव सो थ्री प्लस टू इज फाइव थ्री प्लस टू इज फाइव अगर ये फाइव है तो नेक्स्ट सेवन सो फाइव प्लस टू इज सेवन सो अगर ये N है दिस मस्ट बी एन प्लस टू दिस इज थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एन है ये एन प्लस टू है ये एन है ये एन प्लस टू है थार्मोनिक दिस इज एन प्लस टू एथनिक ओके okay, नाउ uh, हमें बताना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है ना एफ जो है दैट इज एन टाइम्स एफ वन वी डिवाइडेड बाय फोर एल इज बेसिकली एफ वन विच इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो एफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो हम पहले एन निकालेंगे फिर जाके एफ निकालेंगे सो एफ एन प्लस टू divided by fn is equal to n plus 2 divided by n. So, this implies 260 divided by 220, 260, uh, 260 divided by 220 is equal to n plus 2 divided by n plus 1, n plus 2 divided, divided by n just n. Here, 0 and 0 will cancel out, 2 into 1, 1, 2 into 1, 3. दिस सिंपलाइज एन को ऊपर लाते हैं तो थर्टीन इंटू एन थर्टीन एन इज इक्वल टू इलेवन को वहां लेते हैं तो इलेवन इंटू एन इज इलेवन एन प्लस इलेवन इंटू टू इज ट्वेंटी टू सो इलेवन एन को यहां लाते हैं थर्टीन माइनस इलेवन इज टू टू एन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू दिस इंपलाइज एन इज इक्वल टू इलेवन तो दिस इज द इलेवन हार्मोनिक दिस इज

सो टू हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई अलेवन एन जो है वो इलेवन के बराबर आ गया ना दिस इज इलेवन इंटू टू इज ट्वेंटी टू इंटू जीरो सो एफ वन इज इक्वल टू ट्वेंटी हर्ट्स सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ट्वेंटी हर्ट्स, ट्वेंटी हर्ट्स ऑप्शन टू ओके ट्वेंटी हर्ट्स ऑप्शन टू लेट्स मूव ऑन The fundamental frequency in an open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed uh, organ pipe. Uh, if the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of the open organ pipe is okay. Open kamatlab open at both ends, closed kamatlab hai, closed at one end and open at the other end. Okay, closed at one end. So open is open at both ends and closed is closed at one end. Closed at one end. So we have one tube like this which is closed at one end the other tube like this which is open at both ends which is open at both ends now iske liye closed at one end closed at one end iske liye pata hai that frequency is n times v divided by 4l Kaafi baar humne so you use or sort of odd harmonics are possible n is equal to 1 3 5 7 and so on और इसके लिए ओपन एट बोथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज एन वी डिवाइडेड बाई टू एल और हर कोई हार्मोनिक पॉसिबल है एन इज इक्वल वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री एंड सो ऑन अब हमें क्या बताया जा रहा है नाउ यहां पर आपने ध्यान रखना है ओके द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो यहां से फंडामेंटल फ्रीकवेंसी आपने लेनी है यहां से आपको एफ वन लेना है विच इज वी डिवाइडेड बाई टू एल यहां से आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले ली इज इक्वल टू थर्ड हारमोनिक ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप से थर्ड हारमानिक लेनी है सो फर्स्ट हारमानिक थर्ड हारमोनिक सेकेंड तो होता ही नहीं है थर्ड हारमोनिक इज दिस थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन सो थर्ड हार्मोनिक इज इज इक्वल हारमोनिक्री तो यहां से हमें लेना है डिवाइडेड बाय इसको प्राइम प्राइम कहते कहते हैं L कहते हैं हमें लेंथ किसकी दी गई है क्लोज ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर तो so, इसकी लेंथ जो है दिस इज एल 20 सेंटीमीटर हमें बताना है कि उसकी लेंथ क्या है सो सिंपल क्या चीज दिया हुआ ये और ये बराबर है ए फंडामेंटल फॉर द ओपन पाइप इज इक्वल टू एफ थर्ड एफ थर्ड फॉर द क्लोज पाइप ये दो बराबर है अब हमें एल प्राइम निकालना है सो लेट्स डू इट नाउ वी डिवाइडेड बाई टू एल प्राइम टू एल प्राइम इज इक्वल यहां से थ्री वी डिवाइडेड बाई फोर एल सो टू इंटू टू टू इंटू टू फिर जाके वी एंड वी विल कैंसल आउट सो क्या अब आएगा एल जो है वो दिया हुआ है दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर सो वन बाई एल प्राइम इज इक्वल थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो दिस इज एल प्राइम इज इक्वल अब इन्वर्स ले लें दिस इज फोर्टी 40 डिवाइडेड बाई थ्री दिस इज थ्री इंटू वन इज थ्री और टेन बन जाएगा थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री सो एल प्राइम इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर्स 13.33 centimeters, which is roughly 13.2 centimeters, okay? 13.2 centimeters. Chali, okay. let's move on to the next one. This was 22. Let's move to 23. The Doppler shift in the frequency received by a stationary receiver, when the source is moving towards it, the Doppler shift in the frequency received by a stationary. So stationary receiver hai. डिटेक्टर जो है, वन हु सिग्नल साउंड वेव इज स्टेशनरी दिस इज इंपॉर्टेंट इज स्टेशनरी वेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट तो टुवर्ड्स इट टूवर्ड्स के टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है वॉज मेजर टू बी डेल्टा एफ एयर वेन बोथ रिसीवर एंड सोर्स आर इन एयर एंड इट वॉज मेजर टू बी डेल्टा एफ वॉटर वैन बोथ आर अंडर वॉटर देन ओके okay. पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं सिंपली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय अभी सोर्स जो है नहीं रिसीवर डिटेक्टर जो है वो स्टेशनरी है तो वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस टू है तो यहां पर माइनस है अवे अगर होता तो यहां पर प्लस होता सो so, ये हमारे पास सिचुएशन है ये हमारे पास सिचुएशन है सो लेट मी पुट इट दिस वे नाउ दिस इज एफ डिवाइडेड बाई एफ ओ इज इक्वल वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस ओके वी माइनस वी एस सपराइटिंग बाई वन ऑन बोथ साइड क्योंकि मुझे तो डिफरेंस दिया हुआ है डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो माइनस वन यहां पर भी माइनस वन यहां पर भी क्रॉस कर लें ये बन जाएगा एफ माइनस एफ ओ डिड बाई एफ ओ इज इक्वल टू वी माइनस वी माइनस माइनस इज प्लस वी एस

ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो सेम है क्योंकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम तो वो तो सेम है दोनों के लिए डेल्टा एफ ऑब्वियसली डिफरेंट आ रहा है स्पीड ऑफ सोर्स तो सोर्स और डिटेक्टर जो है उनके बारे में तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है तो वी एस बी सेम रह रहा है वी एस बी सेम रह रहा है तो डेल्टा एफ जो है डेल्टा एफ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस वी एस स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स ओके स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स अब ये हमें देखना है कि क्या है ये हमें देखना है है कि क्या वाटर के अंदर वाटर के अंदर स्पीड जो है वो ज्यादा है साउंड की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर वाटर के अंदर अगर स्पीड ज्यादा है तो वाटर के अंदर ये चीज ज्यादा होगी वाटर के अंदर ये चीज ज्यादा ये डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा वाटर के अंदर वाटर के अंदर अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो वाटर के अंदर डेल्टा एफ जो होगा वो कम होगा सो डेल्टा एफ वाटर इज लेस देन डेल्टा एफ एयर या उल्टा करके लिखें ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है डेल्टा एफ एयर इज ग्रेटर देन डेल्टा एफ वाटर ओके सो ये चीज आपने देखनी है वी माइनस वी एस जो है वो कहा वहां पर भी वी एस तो सेम रह रहा है वी आपने देखना है स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन वॉटर तो ये चीज जो होगी ये डिफरेंस जो होगा दैट विल बी ग्रेटर इन वाटर ग्रेटर इन वाटर तो ये चीज जो होगी दैट विल बी लेसर इन वाटर क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है सो डेल्टा एफ वाटर इज लेस देन डेल्टा एफ एयर या डेल्टा एफ एयर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ वाटर ऑप्शन वन ही है ओके ऑप्शन वन सो लेट्स मूव ऑन नाउ ट्वेंटी फोर ओके आई एम नॉट श्योर अगर ये डायग्राम आप देख पाएंगे कितने A man is standing on a railway platform listening to the whistle of an engine that passes the man at constant speed, so speed change without stopping. If the engine passes the man at time t is zero, uh -oh, what did I do? Here it is. If man, uh, uh, if the engine passes the man at t equal to zero, uh, t zero time t zero. how does the frequency of the whistle? हर्ड बाय द मैन चेंज विद टाइम मैन यहां पर है यहां से पटरी से इंजन आ रहा है तो पहले तो इंजन आ रहा है टुवर्ड्स द मैन सो so पहला टुवर्ड्स वाला ऑप्शन है ओके टुवर्ड्स वाला टुवर्ड्स अगर है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ओके सो एफ जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफ ओरिजिनल फिर जाके जब ये इंजन इसको क्रॉस कर लेगा तो ये दूर जा रहा है अवे अवे मींस शिफ्ट डाउन तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी ओके फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम सो एफ विल बी लेस देन एफ देन एफ जीरो यहां से स्पीड कॉन्स्टेंट है तो जो भी फ्रीक्वेंसी देख सुनेगा वो कॉन्स्टेंट यहां से भी स्पीड कॉन्स्टेंट है तो जो भी फ्रीक्वेंसी है आ, सुन लेगा वो कॉन्स्टेंट है सो so, यहां से भी भी यहां यहां से से लेकिन जब आ रहा है तो ज्यादा है सो ग्रेटर वैल्यू यहां से जब है तो कम है सो so, इसका ग्राफ कैसा होगा मैं सीधे ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द मैन वर्सेस टाइम टी जीरो पे इंजन जो है वो क्रॉस कर रहा है तो पहले तो टूवर्ड्स हैं तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और टी ये इंजन जो है इसे क्रॉस कर लेगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होगा, वो होगा. So पहले यहां पर कॉन्स्टेंट फिर जाके यहां पर कॉन्स्टेंट ऑप्शन वन शायद होगा क्योंकि यहां पर गड़बड़ है इन तीन में खैर ग्रैफ जो है वो ऐसा है ग्रैफ जो है वो ऐसा है आपके पेपर आप अपना पेपर चेक कर लें तो वहां पर देखें कि यह ग्राफ कहां पर है सो ट्वेंटी फोर हो गया लेट्स मूव ऑन ए सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर सो टुवर्ड्स अगेन इज शिफ्ट अप फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अब ज्यादा होगी विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड सोर्स की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर

का मतलब शिफ्ट अप तो ऊपर प्लस साइन लेना पड़ेगा नीचे माइनस साइन लेना पड़ेगा तो इस पर्टिकुलर केस के लिए प्लस वी डी डी इज फॉर द डिटेक्टर डिवाइडेड इज फॉर द सोर्स एंड वी इज स्पीड ऑफ द साउंड स्पीड ऑफ द साउंड सो ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है टू हंड्रेड फोर्टी है सो दिस इज टू हंड्रेड फोर्टी वी दिया हुआ है दैट इज टू थ्री हंड्रेड फोर्टी प्लस वी डी दिया हुआ है दैट इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वी इज अगेन थ्री हंड्रेड फोर्टी माइनस वी एस जो है वो भी ट्वेंटी के ही बराबर है ट्वेंटी के ही बराबर है सो माइनस ट्वेंटी सो दिसम्स दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू एफ जीरो भी वैसे दिया टू हंड्रेड फोर्टी तो पहले हमने सब शूट किया है टू हंड्रेड फोर्टी टाइम्स ना दिस इज थ्री हंड्रेड सिक्सटी Divided by 320, 320. अब इसको कैंसिलेशन करना है जीरो एंड जीरो गोस टू इंटू वन टू इंट सिक्स टू इंट वन टू इंटू एट टू इंटू एट टू इंटू नाइन सो यहाँ पर अब एट इंटू थ्री इज ट्वेंटी फोर इंटू जीरो सो एफ़ इज़ इक्वल टू नाइन इंटू ज़ीरो जीरो नाइन इंट थ्री इज़ ट्वेंटी सेवन टू हंड्रेड सेवेंटी हर्ट्स एफ इज इक्वल टू हंड्रेड सेवेंटी हर्ट्स 270 hertz is option 2, okay, option 2.